Assalamu alaikum, dear students. I am Ms. Faryal. I am your science teacher and I am going to convey lecture number 2 of grade 6. The lecture having main topic number 1 is making difficult measurement. Number 2 is handling data. Number 3, doing a scientific investigation. Your book having these 3 topics and we will talk about these 3 topics. The main objective students are able to, in the end of my lecture, number 1 objective is carry out a scientific investigation with due regard for health and safety. मतलब students इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये बात समझ सकें कि scientific investigation एक healthy and safety activity है जिसकी बेसिस पे हम एक्यूरेसी के साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट की नो हाउ ले सकते हैं. नंबर 2 मेन ऑब्जेक्टिव इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेजर डिफरेंट ऑब्जेक्ट थ्रू डिफरेंट वेज. हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजरमेंट का तरीका सीखेंगे. According to the first slide of my lecture, the topic number 1 is making difficult measurement. If you have right instrument, measuring usually become easy, but sometime measuring become quite difficult. So in this type of cases, some calculations are required for getting accurate result. Matlab, कि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें एक्यूरेसी के साथ काम करने की नीड पड़ती है. तो उस तरह की मेजरमेंट के लिए कुछ डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं और उन कैलकुलेशंस के थ्रू ही हम एक्यूरेट रिजल्ट अखज़ कर पाते हैं. जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, हाउ डू यू फाइंड द मास ऑफ अ सिंगल राइस ग्रेन. अब आपने पहले सुना होगा कि 1 kg राइस, 1/2 kg राइस, लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि सिर्फ चावल के एक दाने का मास मालूम करके दिखाएं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. लेकिन अब वो मुश्किल नहीं रहेगा. उसको मालूम करने का तरीका ये होगा, एन ईजी वे इज़ टू वे 100 राइस ग्रेन एंड डिवाइड देयर मास बाय 100, कि हम 100 चावल के दाने लेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे 100 से. आपके इस स्लाइड में गिवन है कि मास ऑफ 100 राइस ग्रेन इज़ इक्वल टू 20.0 ग्राम. ये हमने वेइंग मशीन, जो बैलेंस मशीन होती है, उसके थ्रू हमने मालूम किया. 100 राइस को रखा वेट मशीन पर और उसका वेट देखा 20 ग्राम. फिर उसके बाद मास ऑफ 1 राइस ग्रेन के को मालूम करने के लिए हमने 100 राइस का जो मास था उसे डिवाइड कर दिया 100 राइस से. तो इस तरह हमें मालूम हो गया 1 ग्रेन ऑफ राइस का मास, जो कि है 0.2 ग्राम. इफ द राइस ग्रेन आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, देन 0.2 ग्राम इज द एवरेज मास ऑफ 1 राइस अगेन. इसका मकसद ये है कि हमेशा बहुत सारे राइस में सब राइस एक जैसे नहीं होते. समटाइम ऐसा होता है कि कुछ राइस बड़े, कुछ राइस मास में ज़्यादा, कुछ राइस मास में थोड़े कम होते हैं. तो ये नोट डालने का मकसद ये है कि कुछ
राइसेस के मास प्लस माइनस 0.2 ग्राम हो सकते हैं, तो 0.2 ग्राम एग्जैक्ट मास के बजाय एवरेज मास ऑफ राइस रहेगा। अब आप एक प्रैक्टिस पर्पज़ में तमाम तालिबान अपने पास मौजूद एक रफ कॉपी लेंगे और ये एक्टिविटी, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पज़, जस्ट फॉर कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं। स्टूडेंट विल टेक आउट देयर रफ जर्नल एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ वन नेल इफ 50 नेल हैव अ मास ऑफ 200 ग्राम। कि आपने एक नेल, एक कील का मास मालूम करना है, जबकि आपको मास कितनी नेल्स, कितनी कीलों का दिया हुआ है, 50 नेल्स का। ठीक है, टॉपिक नंबर टू ऑफ माय लेक्चर नंबर टू इज हैंडलिंग डेटा। बिफोर हैंडलिंग डेटा यू ऑल शुड नो दैट व्हाट इज डेटा। द डेफिनेशन ऑफ डेटा एज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा इज वेरी यूजफुल इफ यू ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंट इट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। कि अगर डेटा जो है आपको बहुत अच्छे से दिया गया हो, डेटा से मुराद सामने पड़ी हुई चीज़, सामने रखी हुई चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत वेल डिज़ाइन तरीके से अप्रोप्रिएट वे में गिवन हो, तो आप उस डेटा को बहुत अच्छे तरीके से यूज़फुल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडलिंग डेटा के कुछ वेज हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, जिनमें नंबर वन पर है टेबल्स के थ्रू हम डेटा मालूम करते हैं, बार चार्ट्स के थ्रू, लाइन ग्राफ के थ्रू, और नंबर फोर पाई ग्राफ के थ्रू, जिसे हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज टेबल? टेबल क्या होता है? अ टेबल कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंफ्यूजिंग और बोरिंग टू लुक एट। दिस इज़ व्हाई डेटा इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ एंड चार्ट्स। टेबल से मुराद जैसे आपके पास डायरी में शुरू में ही टाइम टेबल गिवन होता है ना, तो इस तरह के टेबल्स की फॉर्म में डेटा की रिप्रेजेंटेशन करना वे ऑफ डेटा हैंडलिंग है। लेकिन वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है समटाइम, तो दूसरे तरीके भी आपकी बुक में डिस्कस हैं। नंबर टू है बार चार्ट। अ बार चार्ट शोज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज पिक्चर। कि बार चार्ट जो है आपको एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पिक्चर की फॉर्म में दिखाते हैं। नंबर थ्री है लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ इज़ यूजफुल बिकॉज इट ऑल्सो शोज रिजल्ट एज अ पिक्चर। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि चीज़ की पिक्चर सामने नज़र आ रही होती है तो वो इंटरेस्टिंग लग रही होती है, तो ये बार चार्ट और लाइन ग्राफ जो है वो ज़्यादा कारामद इसलिए हैं क्योंकि वो रिजल्ट पिक्चर्स के फॉर्म में शो करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट टू रीड ऑफ वैल्यूज विच यू हैव नॉट मेजर्ड। नंबर फोर वे ऑफ हैंडलिंग डेटा इज़ अ पाई चार्ट इज़ अनदर वे ऑफ शोइंग information as a picture. The size of slices in the pie chart indicate the proportion of numerical data. के एक round circle given होता है pie की सूरत में, pie मतलब coin की सूरत में, सिक्का जैसे होता है, उसमें जो slices की indication होती है उससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितने percentages पर मौजूद है। अगर slice की width कम है तो वो चीज़ कम परसेंटेज में मौजूद है, अगर स्लाइस की विड्थ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा परसेंटेज पर मौजूद है। टॉपिक नंबर थ्री ऑफ योर लेक्चर नंबर टू इज़ डूइंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तीन मेन पार्ट हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। नंबर वन इज़ प्रीपरेशन, नंबर टू इज़
carrying out the investigation. Number three is reviewing and reporting on investigation. Number one part of scientific investigation is preparation. This involves in hypothesis, matlab andaza lagana. Number two is variables. Variables matlab jo usme digits hain, jo numbers hain, unka malum karna. Then uske baad teesra iska step hai fair test. कि एक टेस्ट का इंतज़ाम करना, आया वो वेरिएबल्स उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं या उसमें रद्दोबदल की ज़रूरत है, अगर है तो उसे तब्दीली कर लेते हैं. नंबर टू स्टेप, नंबर टू पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज कैरिंग आउट द इन्वेस्टिगेशन. This involves in the first step is using the equipment you have chosen to measure things like distance, time, weight, area, volume and temperature accurately. Isme aapne equipment istemal karna hota hai jisse aap ye tamam cheeze malum kar saken. Number two step of carrying out investigation is choosing the most appropriate way of recording your result. Writing your result in a table. मतलब आपने जो चीज़ें मेजर की हैं उन्हें आपने डेटा हैंडलिंग स्टेप में कन्वर्ट कर देना है. Number third step is table is probably the best way to record them investigation. जो मैं आपको बता चुकी हूँ. Number three part of scientific investigation is reviewing and reporting on investigation. This involves graph and conclusion. You people in the end make a graph and after that come on the result or conclusion. That is all about my lecture number two. I hope you understand all my lecture, all my objective. If you have any query, any question, you can note it down and ask me by your coordinator. Apna bahut khayal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega. Allah Hafiz.